नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। कोरोना वायरस के मामलों का आंकड़ा देश भर में लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, बीते 24 घंटों में भारत में कोविड के 2.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं पिछले कुछ दिनों के मुकाबले कोरोना के मामलों में 6.7% की बढ़ोतरी हुई है। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड 15 जनवरी को दोपहर 3:30 बजे आलू पर चर्चा पर एक सत्र का आयोजन करेगा। आपको बता दें, ये शीघ्र आलू उगाने वाले राज्यों के विषय विशेषज्ञों के साथ इन्फॉर्मेटिव पैनल चर्चा पूरे भारत में फसल की आगे की स्थिति और उत्पादकों का सर्वोत्तम समाधान प्रदान करने पर केंद्रित होगी। साथ ही ये वेबिनार धानुका द्वारा एक नया जापानी फंगिसाइड किरारी आलू की फसल के लेट ब्लाइट पर भी फोकस करेगा। खरीफ मार्केटिंग सीजन साल 2021 से 2022 के तहत पूरे देश में MSP पर धान की खरीद जारी है। बता दें, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में खरीद का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में धान की खरीद का काम अभी भी चल रहा है। इसी बीच FCI के नए ड्राफ्ट के सामने आने से किसान चिंतित हो गए हैं। हरियाणा सरकार प्याज की खेती को बढ़ावा देने के साथ किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की शुरुआत कर चुकी है। दरअसल सरकार द्वारा खेती करने के लिए पैसे के साथ बीज पर छूट भी दी जाएगी। आपको बता दें, किसानों को खरीफ प्याज की खेती के लिए बीज की 2 किस्मों की खरीद पर 500 रुपये प्रति किलोग्राम की छूट दी जाएगी और इस छूट पर एक किसान अधिकतम 8 किलो बीज ले सकेगा, जिससे उन्हें 4,000 रुपये का फायदा मिलेगा। किसानों के खाते में केंद्र सरकार की तरफ से PM किसान सम्मान निधि के तहत 2,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जंजगीर चंपा जिले में इस योजना के पैसों में फर्जीवाड़ा होने का मामला सामने आया है। दरअसल जंजगीर चंपा के कुछ लोग किसानों के नाम पर खाते खोलकर उनका पैसा लेकर फरार हो गए हैं, जिसको देख पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद करने के उद्देश्य से गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन इस योजना के 5वें चरण के तहत 5 लाभार्थियों को अब तक लगभग 20 लाख टन ही खाद्यान्न मुफ्त में बांटा गया है। आपको बता दें, इस योजना का 5वां चरण दिसंबर साल 2021 से मार्च साल 2022 तक रहेगा। हरियाणा सरकार के अधीन आने वाले हरियाणा स्टेट को हाफेड ने 500 मिलीमीटर पैक के नए लॉन्च किए गए नैनो यूरिया लिक्विड की बिक्री व्यवस्था के संबंध में इफको के साथ समझौता किया है। दरअसल हाफेड के एक प्रवक्ता का कहना है कि एक बोतल नैनो यूरिया पैक सामान्य यूरिया के 45 किलोग्राम के एक बैग का रिप्लेसमेंट है और किसानों के लिए ये पारंपरिक यूरिया का अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें सभी सम्मान पोषक तत्व उपलब्ध है। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत की ठंड में इजाफा हुआ है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार बादल छाए रहेंगे और लगातार 5 दिन से पड़ रही घरे कोने की भी मार का सिलसिला जारी रहेगा। तो वहीं एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 18 से 19 जनवरी को बारिश होने का पूर्वानुमान है, जिसके बाद ही ठंड में कमी आने की संभावना है। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।